करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 29th of December 2023 फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कैलेंडर ईयर 2023। आइए देखते हैं कि कल प्राइस कैसे बिहेव किया इन ए थिन लेस पार्टिसिपेंट रिलेटेड मार्केट में, जहां पे मोस्ट ऑफ द मेजर ट्रेडर्स डीलर्स एंड पार्टिसिपेंट्स इन हॉलीडे due to Christmas as well as the New Year. तो कल के दिन में डॉलर इंडेक्स जो नीचे डिप मारा था वो था 100.6, वहां से बाउंस बैक करके इट क्लोज्ड एट 101.21, अभी है आपका 101.15. so ज्यादा कुछ हलचल का नहीं है थिन इलिक्विड मार्केट में, जहां पे पार्टिसिपेंट्स कम है तो वॉलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। एंड यहां पे जो भी प्राइस एक्शन बनाएगा नेक्स्ट 1st of January या 10th of January तक, उसके बाद ही एक मेजर ट्रेंड के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। डॉलर रुपी अभी है 83.1415, यहाँ पर भी साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहे हैं। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ बोलने का प्रयास करना भी पाप होगा, कुछ हो ही नहीं रहा, रेंज के अंदर भी अटक रहे हैं। जीबीपी डॉलर कल हाई मारा था आपका 1.2827, उस हाई से ये रिट्रेस बैक किया एंड क्लोज्ड एट 1.273, अभी 1.2736। तो आज के दिन के लिए ये थोड़ा सा साइडवेज, ज्यादा कुछ मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, रेंज में कंसोलिडेट करने का प्रयास कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर 105.86, सिमिलरली ये भी कल के दिन में आफ्टर ट्रेडिंग हाई ऑफ 106.79 इट रिट्रेस बैक एंड क्लोज्ड एट 105.84, अभी 105.86, यहाँ पर भी थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। यूरो डॉलर अभी है आपका 1.1017, कल के दिन में ये रिसेंट स्विंग हाई मारा 1.1139 का एंड रिट्रेस करके क्लोज दिया 1.1061, सो यहाँ पर भी ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। यूरो आईएनआर सिमिलरली कल के दिन में इट ट्रेडेड हाई ऑफ 92.66 एंड क्लोज्ड एट 92.00, अभी 92.07 में। डॉलर येन में एक कल एक अच्छा खासा डीप मारा था 140.25 का, बट कुड नॉट सस्टेन द लोज एंड बाउंस बैक एंड क्लोज्ड एट 141.36, करेंटली वहीं पे है डॉलर येन, सो वही रेंज पे कंसोलिडेट करने देते हैं और नेक्स्ट 5-7 ट्रेडिंग डेज, जब तक ऑल मेजर पार्टिसिपेंट्स अगेन मार्केट में वापस आ जाएंगे। येन आईएनआर कल के दिन में हाई ट्रेड किया था आपका 59.26 बट क्लोज्ड लोअर एट 58.79, अभी वहीं पे है। सो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस रिजेक्शंस इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है, लेकिन इस इन्वर्टेड पिनवायर का एज ऑफ नाउ हम ज्यादा कुछ एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि लिक्विडिटी कम है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कम है। सो एक बार 7-10 January के बाद मार्केट में पूरा का पूरा रौनक वापस आने दीजिए, उसके बाद प्राइस को हम एनालाइज करेंगे। डॉलर कैंडी में यहाँ पे ये भी कल के दिन में एक लो ट्रेड किया 1.3182 एंड क्लोज हायर एट 1.3228, सो ये लोअर लेवल पे क्लोज कर रहा है। तो आपका जो ईयरली परफॉर्मेंसेस है आपका काफी नीचे का है, मीन्स काफी स्ट्रेंथन किया है डॉलर कैंडी। $80 कल के दिन में ये हाई ट्रेड किया था 0.6871, ट्राई टू टच द इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है आपका 0.6875 से 0.6910 का है,
वहां पे जस्ट टच करके फिर दोबारा नीचे क्लोज दिया, देयर बाय मेकिंग एन इनवर्टेड पिनबार टाइप ऑफ कैंडल। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने देते हैं आज के दिन में, जस्ट प्राइस को नथिंग मच, जो भी होगा 5th-7th January या 10th January के बाद ही ग्रेजुअली हम उसको प्रयास करेंगे। CNH में अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखा गया 7.0875। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन से नीचे जा रहा है। अभी देखने वाला बात यह है 15th December का एक पिन बार, क्या ये December के पिन बार के लो के नीचे ये कैलेंडर ईयर का क्लोजिंग देते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 78.35, कल के दिन में भी ये ऑल्दो गैप आपका ओपनिंग हुआ था 80.58 में, लेकिन नीचे की तरफ क्लोज डाउन हुआ था 78.61। So, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेशन करने देते हैं। एंड हमें अभी जो हमारा सेकेंड टारगेट था 84 का, उसको जाने के लिए अभी हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में ये जो तीन बैक टू बैक रेड कैंडल हम दिख रहे हैं, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन आपका ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो है ये ऊपर की तरफ जाने के लिए प्रयास कर सकता है। मीन्स कल के दिन 3.78 जो लो है वहां से बाउंस बैक करके क्लोज दिया 3.84, अभी वहीं पे लेवल है। सो इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर का, कैलेंडर ईयर का, नॉट फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर का लोएस्ट लेवल पे ये आ चुका है। एंड अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा 1st week of January ऑनवर्ड्स मार्केट में कैसे रेट कट का परसेंटेज को देखते हैं, 3 rate cut, 6 rate cut क्या होगा वो हमें अकॉर्डिंगली परसीव करने का प्रयास करना चाहिए। US 2-year ट्रेजरी ये भी अभी है 4.26, ये भी ईयर का, कैलेंडर ईयर का लो में ट्रेड कर रहा है, इसी लेवल के आसपास क्लोज देगा। देन अगेन हमें देखना है नेक्स्ट ईयर रेट कट का परसेंटेज को मार्केट कैसे देखते हैं एंड कितने नीचे के तरफ ये फर्दर सेल ऑफ होते हैं वो ग्रेजुअली हमें देखना पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ नथिंग मच, करेंसी आपका कैलेंडर ईयर के डॉलर इंडेक्स एंड इंडेक्स रिलेटेड जो भी है एट द लोएस्ट लेवल पे है, एंड उसका जो रिवर्स है जैसे GBP डॉलर, यूरो डॉलर, वो ऑलमोस्ट कैलेंडर ईयर का ऑलमोस्ट हाई के नजदीक में है। And nothing much market, just thin liquid market में जो trading हो रहे हैं, जो भी चलेगा आपका 1st week या 10th January onwards जब all major participants बाजार में वापस आएंगे, उसके बाद ही एक नया हलचल देखा जाएगा, तब हम दोबारा currencies को नए सिरे से analyze करने का प्रयास करेंगे। So currency pre-market analysis अभी के लिए इतना ही, wishing you all great good day as well as happy new year well in advance. Thank you.